केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अतीक कोर्ट ने ठीक न्याय दिया है। बता दें कि 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को एमपीएमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उस उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्यु दंड की मांग की है। अतीक अहमद को प्रयागराज की कोर्ट ने सजा सुना दिया है। अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के साथ उनके 10 साथियों को भी दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के खिलाफ 108 मुकदमे हैं, 2, 4, 6, 10 मुकदमे नहीं, 108 मुकदमे हैं। और उन मुकदमों में पहले जो है पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल करती थी। चार्जशीट फाइल हो जाती थी तो पुलिस अच्छा वकील खड़ा करके बहस नहीं कराती थी। इसलिए किसी भी मामले में आज के पहले अतीक अहमद को सजा नहीं हुई। 108 मुकदमे के बाद आज पहली बार अतीक अहमद को सजा हुई है, क्योंकि अतीक अहमद का मैटर एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है और आज जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। इस बैकग्राउंड उसका यह है कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे, वो गवाही ना दे पाए इसलिए अतीक अहमद उनके साथियों ने उनका अपहरण किया था। और उमेश पाल की हत्या से पूर्व मेरी जानकारी में लगभग सभी गवाहियां बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी थी। सबूत गवाह और एविडेंस के आधार पर आज एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज ने अतीक अहमद और उनके साथियों को आजीवन कारावास, और वहीं पर दूसरा रूप ये देखिए कि उसका भाई अशरफ है उसको कोर्ट ने निर्दोष माना।